पंजाब में बिजली का संकट चल रहा है, दिन में अधिकतम कट भी लग रहे हैं और लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए पड़े हैं। और सरकार की ओर से लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही बिजली के संकट को दूर किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें पीएचसी अस्पताल सुजानपुर की, तो वहां पर डॉक्टरों के कमरे में बिना डॉक्टर के ही पंखा और लाइट चल रही है, जबकि कोई सो लेने वाला नहीं है। आपको बता दें कि आज की आरटी टीम की ओर से सीएचसी अस्पताल सुजानपुर का दौरा किया गया, तो वहां पाया गया कि मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर के कमरों में पंखा और लाइट चली हुई है, जिसकी अस्पताल प्रशासन को कोई भी खबर नहीं है। हालांकि सभी जानते हैं कि पंजाब में बिजली संकट चल रहा है और ऐसे संकट में बिजली की बचत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों में भी इस कदर बिजली की बर्बादी होने लगी तो आम जनता को किस तरह से रोका जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब लोगों से बातचीत की गई तो एक ने कहा कि वह काफ़ी लंबे समय से यहाँ डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि वह कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से उन्हें आज यहाँ से नाराज घर वापस लौट कर जाना पड़ रहा है। मैं केवी कृष्ण बोल रहे हैं सुजानपुर तो। आज मैं COVID-19 का इंजेक्शन लगवाना आया सी इतने हस्पताल से, उपर मैं थले गया सी, वो कहें उपर उपर इंजेक्शन लग रहे हैं, उपर आए हैं तो 10 मिनट हो गए मैं आए फिर रहे हैं, इंजेक्शन लाना कोई नहीं लगता, नहीं पहली बारी है, नहीं एनो इंजेक्शन लगाना सी पहली बारी आए हैं, अगे मैं लगाठा सारी बूस्टर डोज भी लगाठा। हाँ जी, मतलब सिविल अस्पताल से स्टाफ चाहिए, जो स्टाफ है कमी तो चलो अलग चीज़ है, इस स्टाफ की कमी है, लेकिन जो स्टाफ है वो तो कम से कम इतने प्रेजेंट होना चाहिए। पखे चल रहे हैं, टेबल लगी है, लाइटा चल रही, लेकिन स्टाफ कोई नहीं। नाम नेहा शर्मा, हम कितों आए इतने सुजानपुर तो आए सर, तो जोड़ों के दर्द वास्ते आए से, बोलते स्पैशलिस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत दवाई लैनी है तो रूम नंबर 15 जाओ, तो उत्ते कोई है नहीं है, तो बच्चों वास्ते आए, बच्चे का चैकअप करवाना है, तो वो बोलते अज नहीं आए, वो शनिवार आएंगे। हाँ जी, सर परेशानी है कि पहले नीचे पता करने पड़ता है कि कितने है कितने है, कोई बोलता उत्थे है, उत्थे जाओ तो उत्थे हुंदा कोई नहीं है, हुण इत्थे 15 ते भेजो उत्थे कोई है नहीं है, फैन चल रहा अगे डोर बंद नहीं है, एक लाइन जी लगाई है कपड़े की, तो कोई है नहीं है, हुण इत्थे वेट करते पे फैन वगैरह, वो एड्डी दूर है बैठन इत्थे। हाँ जी, मंग की मतलब जितने तो है एटलीस्ट अपनी जगह देते बैठो, कोई आ रहे हैं पेशेंट वगैरह उन्होंने चेकअप करवाना, किस तरह उपर बच्चे ना इतने दूरों चल के आना औखा हो जाता, तो घट्टो घट्ट तुम उत्थे बैठो जिते ड्यूटी है।